हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस तरह के पोंचू बनाएंगे। ये आप साईं बाबा को भी बना सकते हो और कान्हा जी को भी बना सकते हो। तो ये मेरा एक नंबर का पोंचू है, एक नंबर कान्हा जी के लिए मैंने बनाया था ये, और ये दो और तीन नंबर के कान्हा जी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो पोंचू बनाएंगे, आप उसे एक और दो नंबर के कान्हा जी को बना सकते हो। तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे, फिर हम 20 चैन बनाएंगे। ये हमने 20 चैन बना लिया है। अब इसको जोड़ेंगे पहली चैन से, जोड़ के स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। फिर यहीं पर हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो बनाया, फिर एक चैन लिया, फिर दो बनाया। एक चैन लिया, फिर एक छोड़ के अगले में दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन लेंगे, फिर एक छोड़ के अगले में दो बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब एक छोड़ के यहाँ पे हम चार बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। आप यहाँ पे मार्क भी कर सकते हो मार्कर लगा के। यहाँ हमने चार बार बनाया, फिर हमने एक छोड़ के सब में दो दो बार बनाया, फिर यहाँ पे हमने चार बार बनाया, फिर यहाँ भी हम दो दो बार बनाएंगे। तो यहाँ तक आके फिर आते हैं।
देखिए हमारा पोंचू का शेप ले लिया। अब यहाँ पे और यहाँ पे हम चार चार बार बनाएंगे, बीच में दो चैन लेंगे, और यहाँ पे हम दो दो बार बनाएंगे, दो बनाने के बाद एक चैन लेंगे, फिर दो बार बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर दो बनाएंगे। इस तरह से इसको आप बड़े बच्चों के लिए भी बना सकते हो, बस इसमें चैन ज़्यादा हो जाएगी, पर तरीका यही रहेगा। अब हमारी इतनी बन गई पोंचू, आप इसको कई रंगों में भी बना सकते हैं। और अगर आप बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप जब चैन बनाएंगे तो बच्चे के सिर पे ऐसे नाप लेंगे आप चैन के, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना चैन चाहिए। हम इतना ही बड़ा बनाएंगे इसको, तो यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमने ये व्हाइट धागा ले लिया है किनारी के लिए, इसको स्लिप स्टिच से हम ज्वाइन कर लेते हैं, और इसके बाद ये पूरा लाइन हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही बना लेते हैं ये लाइन। ये सिंगल क्रोशिया से हमने ये बना लिया ये पूरा लाइन। अब एक में से ही हम तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें नेक्स्ट में डाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट में डाल के तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमारी ऐसी बनती जाएगी किनारी, फिर एक छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट में एक चैन छोड़ के नेक्स्ट में डबल क्रोशिया तीन बार बनाएंगे,
गले का किनारी बना लेते हैं और उसके बाद एक डोरी बना लेते हैं छोटी सी। अब डोरी बना लेते हैं पोंचू के लिए। पोंचू ये बन गई। ये पॉम पॉम की तरह बन गई हमारी। पॉम पॉम बना के भी आप लगा सकते हो, हमने साथ में ही बना दिया। अब इसमें 50 चेन ले लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और बने रहिए। थैंक यू।